राम राम भाई। सारे भाई आज अपना हार्ड डे चैलेंज का छठा दिन और पढ़ के अनुमान चालीसा मैं पहुंच गया हूं जिम। तब मौसम में हो गया है दोस्तों बदलाव, और सुबह सुबह 4:30 पे काफ़ी ठंड महसूस होती है जिम में आते हुए। तो जिम में अंदर जाने से पहले ही मैं बाहर ही दौड़ के वार्म अप कर लेता हूँ, और रनिंग से अच्छा वार्म अप कोई नहीं मानता मैं किसी को। सबसे बेस्ट वार्म अप है ये बॉडी का। जितना हो सके उतनी ज़्यादा रनिंग करिए, फैट भी कम होएगी और कटिंग भी इतनी अच्छी आपकी बॉडी में आएगी। तो अब खोल देते हैं जिम। गुल्लू ने उठा दिया है जिम का शटर। मैं, गुल्लू और अभिषेक, तीन बापू के बंदर आज लग जाते हैं पुशअप लगाने। पुशअप से वार्म अप करेंगे आज। अभिषेक भाई ने जिम ज्वाइन कर लिया और अब उनकी बॉडी तैयार करनी है। गुल्लू तो तैयार ही है लड़का, बिल्कुल। नेक्स्ट है पुलअप्स। 5 से 8 पुलअप लगाता हूँ डेली में। अगर हर रोज़ लगाएंगे तो इनके रिपीटेशन बढ़ते जाएंगे। और ये गुल्लू का फोकस भाई, आज कैमरामैन बढ़िया वाले। अभिषेक के भी पुलअप चल रखे हैं। आज की जो मेन एक्सरसाइज है हमारी वो है शोल्डर का वर्कआउट। शोल्डर के वर्कआउट में जो ये है सबसे पहली एक्सरसाइज है, जो ये एक्सरसाइज है दोस्तों, इसका नाम है ओवरहेड प्रेस। तो इसमें रोड में प्लेट डाल के और इसको हेड से ऊपर प्रेस करना होता है वेट को ऊपर की तरफ। तो इसकी आज 3 सेट लगाऊंगा मैं। 5 kg के साथ 10 repetitions और 10 kg के साथ 8 repetitions और 15 kg के साथ लगाए जाएंगे 6 से 8 repetitions। और इसमें मैं सपोर्ट भी लूँगा गुल्लू से और बेल्ट भी लगा रखी है। देखो, इससे आपको बैक इंजरी भी हो सकती है। इस एक्सरसाइज का नाम है अपराइट रो। इसमें रोड को ऊपर आपके चेस्ट के अपर पार्ट तक उठाना होता है और ये डेल्ट के लिए काफ़ी यूजफुल है। नेक्स्ट हमारी डंबल के साथ प्रेस करना शोल्डर को, इसमें आप बैठ के कर सकते हैं। इसमें बैक में इंजरी के चांसेस कम होते हैं क्योंकि आप बैठे होते हैं सहारा लेके बेंच का। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो मशीन से की जाएगी, चेस्ट के लिए होती है वैसे, लेकिन इसकी सेटिंग करके हम शोल्डर का वर्कआउट भी कर सकते हैं इस मशीन से। इस पे रियर शोल्डर जो होता है उस पे वर्क होता है। ये वाली भी काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है, जिसमें आप एक 10 kg की प्लेट लेके उसको ऊपर उठाते हो तो शोल्डर पे काफ़ी इफ़ेक्ट आएगा इसका। नेक्स्ट बीच में कुछ मज़ा भी लेना, लेकिन ये जिमनास्टिक में ये काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती है और है बहुत डिफ़िकल्ट। मैंने पहली बार ट्राई किया है। और इस एक्सरसाइज का नाम है साइड लेटरल रेज। इसमें डंबल्स को आप शोल्डर की हाइट तक उठाते हो और ये हैं अपने अभिषेक भाई, इनकी बॉडी बनानी है अब 75 days में। नेक्स्ट एक्सरसाइज है फ्रंट रेज। डंबल के साथ फ्रंट में उठाना होता है शोल्डर की हाइट तक, लेकिन डंबल से काम नहीं चलेगा तो काफ़ी चेंज लेके आना है। तो डंबल के साथ साथ दोस्तों हर एक एक्सरसाइज के बाद पुशअप पे जाना पड़ेगा, तो कुछ पुशअप लगा लेता हूँ। 10 to 15 पुशअप मैं ऐड करता हूँ हर एक एक्सरसाइज के बाद। अब धीरे धीरे चेंज कर रहा हूँ अपना शेड्यूल। ये भी फ्रंट रेज ही है, लेकिन इसमें हैंड्स को जो है वो सीधा रखा जाता है सामने की तरफ। इसके भी 3 सेट करने होते हैं एक्सरसाइज के। और अब चलते हैं प्रैक्टिस की तरफ, स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना यहाँ पे। लेकिन गुल्लू टाइमिंग के हिसाब से करा रहा भाई, इतने टाइम तक आपको लगा के दिखाने हैं। लेकिन आप 1 मिनट तक अगर लगातार इस पे पंच करोगे तो काफ़ी थका देती है एक्सरसाइज। और नेक्स्ट आ रही है सेल्फ डिफेंस के लिए लाठी का यूज करना। ये काफ़ी पुरानी एक्सरसाइज है जो कि लोग भूल चुके हैं, अब इसको छोड़ चुके हैं।
काफ़ी लोग यूज नहीं करते अब गाँव में इसको। ये सबसे अच्छा और सबसे सस्ता सहारा माना जाता है किसी भी बंदे का साथ का। ये फ्रंट वाली की मैं ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाया हूँ, लेकिन जो पीछे मैं प्रैक्टिस करता रहा हूँ उसमें मुझे थोड़ा इम्प्रूवमेंट लग रहा है अब की बार। ये देखो, अब करके जिम मैं निकल लेता हूँ घर की तरफ, दिन में करके काम, शाम को पहुँच के घर पे होके फ्री फिर से लगा लेता हूँ पुशअप्स, क्योंकि घर पे यही सबसे इजीली अवेलेबल एक्सरसाइज है, तो जितना हो सके पुशअप करे घर पे रह के। इसके बाद घर पे ही जो चीज़ें अवेलेबल है उनसे और एक अच्छी एक्सरसाइज बनाई है, तो दो चेयर्स का यूज करके और एक बेंच या छोटा सा स्टूल यूज करके ये एक्सरसाइज लगाई। करके आज की एक्सरसाइज ख़त्म, अब भगवान का नाम ले लेते हैं। श्याम सुंदर जी से गायत्री मंत्र का जाप सुना और फिर खुद भी इसको दोहराया, काफ़ी अच्छा महसूस होता है गायत्री मंत्र करके और सुन के भी। इसकी साउंड काफ़ी अच्छी है, तो आप सभी को नमस्कार।